सो छोटे सिराजी हो गया सुबह का वाह आज तो एकदम सिराजी टाइम पर है। और शैमू शैमू आराम से करती है कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आयु शैमू दोनों रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए और मैंने उन लोगों के लिए बनाया है यहाँ पे पास्ता। तो पास्ता आज बच्चों को पराठा नहीं, आज पास्ता लेकर के जाना था तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है पास्ता बन गया। और ये पास्ता जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइनर मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल पाती हूँ क्योंकि शैमू को पसंद ही नहीं है, तो थोड़े बहुत जो डालती हूँ वो अरुल में ही डालती हूँ मैं। और आज जो पास्ता मैंने बनाया इसमें मैंने कॉर्न डालकर बनाया था क्योंकि अरुल को कॉर्न बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए मैडम को, इसने इसको चाहिए अपने मतलब एक नोटबुक चाहिए, उसके लिए इसने वार्डरोब खोला है और नोटबुक तो ये ले लेगी लेकिन सारा सामान ये जो ऐसे वैसे ऊपर नीचे कर देती है और कपड़े वगैरह निकाल कर इसने पूरा नक्शा पूरे मतलब वार्डरोब का बिगाड़ दिया है। तो वही मैं इसे डांट रही हूँ कि तुमने क्या किया है, मेरे पास हमेशा टाइम नहीं होता है वार्डरोब ठीक करने का लेकिन मजबूरी है। और यहाँ अरुल की ये पेंटिंग लग गई है जो समृद्धि ने 2 महीने पहले बनाया था, इसके लिए होल करना था वॉल में तो उसके लिए रखा हुआ था तो अभी हुआ है। तो चलिए चलते हैं किचन में, किड्स स्पेस से निकलते हैं और मैं आ गई हूँ अभी अरुल को देखने के लिए क्योंकि अरुल को मैंने स्नान करवा दिया था और ये रेडी हो रहा है और इसको थोड़ी सी ये हो रही है सर्दी हो रही है तो दवा खा रहे हैं। क्या हुआ आयु को जो दवा खा रहे हो तुम? और फ्रेंड यहाँ पे आयु रेडी हो गया है लेकिन थोड़ी सी इसको सर्दी लग रही थी, तो खैर कोई बात नहीं है, मैंने उसको मैं यहाँ पे उसके फेस पे क्रीम लगा देती हूँ मॉइस्चराइजर। और अरुल की इधर शैतानी थोड़ी सी बढ़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसकी शैतानी बढ़ गई है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब छोटे बच्चों को ना समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जन्म से लेकर के और ना जब तक बच्चे मतलब 14-15 साल के नहीं हो जाते, मतलब अपनी अपने जो अंदर जो फीलिंग्स है उसको अगर माँ बाप से नहीं खुलकर बता पाते हैं ना तब तक बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शैमू के साथ में अभी वो ऐसी दिक्कत नहीं है, वो सारी बातें मेरे साथ करती है तो मुझे उसका मतलब उसके मूड का अप एंड डाउन होना पता चलता है, बट अरुल के मूड का अप एंड डाउन होना मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल पाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि आज अरुल ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और मेरे उठने से पहले उठ चुका था और अपने बेड को ठीक कर रहा था। तो आज मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, इसको इतनी जल्दी इसकी नींद कैसे खुल गई, तो थोड़ा सा मुझे इसको लेकर के मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। और रेडी हो गया है और थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वही आज स्कूल से आएगा तो मैं इससे बातें करूँगी और पूछूँगी आखिर हुआ क्या है जो इतनी मॉर्निंग इसकी नींद खुल गई। नहीं तो वैसे तो जनाब को उठाना पड़ता है, बहुत इनके पीछे बोलना पड़ता है लेकिन आज तो अचानक से आज ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो परिवर्तन अच्छा है बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पहले इससे मैं बातें करूँगी कि क्या है, कहीं स्कूल में डांट वांट तो नहीं पड़ी है कि इतना शांत है गुमसुम में। तो आयु बाबू निकल रहे हैं स्कूल के लिए। बाजी दी। क्या हो गया? तो यहाँ पर आयु जा रहा है पापा के साथ, पापा छोड़ने जा रहे हैं और अब उसके बाद हम लोग भी अंदर चलते हैं क्योंकि अब शैमू रेडी हो रही होगी और मेरा जब तक वो मोड़ से टर्न नहीं ले लेता तब तक वो मुझे बाय करता रहेगा, इस वजह से मुझे बारिश हो या कुछ हो मुझे खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे। और सिन्हा जी भी आ गए हैं उसको छोड़ करके और अब आते हैं शैमू के पास। तो ये देखिए शैमू जो है पूरे बेड को फैला देती है मेरे बेडरूम में आ करके और ये टॉवल वेल सब गीला डाल देती, मैं कितना भी बोलूँ मतलब समझ नहीं आता इनको, बस सुबह सुबह डांटना अच्छा नहीं लगता। तो अब शैमू भी निकल रही है, मैंने उसकी भी पोनीटेल बना दी है वो भी रेडी होकर के निकल रही है। तो इस तरह से दोनों बच्चे जा रहे हैं, अभी 1 घंटे के गैपिंग पे दोनों गए हैं और 2 घंटे के गैपिंग पे आएंगे। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ प्लांट लगाने के लिए, तो ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब फैमिली को देखने के बाद अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे अगर है तो वो मुझे प्लांट लगाने में है। तो कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि स्पॉट को मैंने कलर किया था और सिन्हा जी ने उसे टचअप किया था, मतलब जो मतलब फिनिशिंग दी थी, वैसे इसमें फिनिशिंग देने के लिए कुछ था नहीं लेकिन। तो फ्रेंड ये जो प्लांट मैं लगा रही हूँ ये अडेनियम है
और ये बोनसाई प्लांट है, मतलब ये बोनसाई रहती है और इसमें फ्लावर भी आते हैं, तो ये फ्लावर वाले हैं अडेनियम। और एक मैंने पहले मंगाया था जो कि मैंने बड़े वाले पॉट में डाले, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये तीन हैं, तो ये तीन मैंने मंगवाए थे, मैंने बाद में लिए थे इसको, तो ऑलमोस्ट 10 दिन से तो ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि पॉट में नहीं ला पा रही थी। जब पॉट लेकर आई तो फिर उसको कलर करना था, तो 2 दिन तक तो लगे कि कलर मंगाना है, फिर कलर आया तो कलर किया इसे, और एकदम से जल्दी ही ये ड्राई हो जाता है। टेराकोटा कलर है ये, और मिट्टी के बर्तन है, तो उस पर बस लगाते ही 15 से 20 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं मिट्टी जो डाल रही हूँ ना, तो इसमें मैं अडेनियम के लिए ना कोकोपीट और कंपोस्ट खाद और मिट्टी, मैं तीनों को मैंने बराबर बराबर लिया है, जो गार्डन सॉइल होती है ना वो, और कोकोपीट इसके पाउडर है कोकोपीट के, और साथ में है जो हमने लिया है कंपोस्ट खाद, तो इन सबको मिक्स कर दिया। उसके साथ में हम बाद में और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो वो बाद में करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो इसमें जो नर्सरी में मिट्टी जो लगा के देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी लगा करके देते हैं, तो मैंने उसके जड़ को हल्का कर दिया है, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड कर दिया, क्योंकि वो लोग तो टाइट करके देते हैं कि जिससे कि प्लांट मतलब जब तक कस्टमर के पास जाए तब तक ख़राब नहीं हो। बट क्या होता है ना कि वो मतलब इतनी मिट्टी उसमें चपटी होती है ना कि उसके जड़ को फैलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए कभी भी इस तरीके के प्लांट लेना तो उसके जड़ से मिट्टी को थोड़ा हल्का कर दीजिए, उसके सूर जो होते हैं ना, जड़ जो होते हैं ना, वो उसको दिखने चाहिए ताकि वहाँ से वो एयर ले सके, ऑक्सीजन वगैरह मतलब ये हो सके। तो इसके लिए और इसीलिए इस प्लांट को ना मिट्टी के बर्तन में लगाया जाता है, क्योंकि मिट्टी में ना मतलब एयर जो उसके सर्कुलेशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मिट्टी के पॉट जो होते हैं ना वो प्लांट के लिए सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं ना कि प्लास्टिक के ही चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि प्लास्टिक के इसलिए क्योंकि वो गिर भी गया तो टूटते नहीं हैं और एक से एक डिजाइनर मिल जाते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में भी प्लांट लगाए जाते थे, तो सारे के सारे प्लांट मिट्टी के ही पॉट में होते थे, चाहे वो टूटे या कुछ हो, टूटेंगे तो रिपोर्टिंग होगी, लेकिन पॉट जो रहेंगे वो रहेंगे मिट्टी के ही। अभी तो मिट्टी का चलन ही खत्म हो गया है, अभी धीरे धीरे फिर से आ रहा है, और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता था, तो अभी भी मुझे अच्छा लगता है। बस इसमें कलर जो है, अभी तो कलर भी इसके काफ़ी अच्छे आ गए। अभी जो मैंने ये कलर किया है ना टेराकोटा कलर, तो ये अभी 6-8 महीने तो ये कुछ नहीं होने वाला नहीं है, साल भर के बाद ही इसके चमक कम होंगे, फिर उसके बाद कर लिया जाएगा। वैसे तो प्लास्टिक के भी पॉट के कलर 1 साल में अगर धूप लगती है तो चले ही जाते हैं, कम हो जाते हैं, या मतलब उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे सबको मिला करके और इस यहाँ पे मैं भर रही हूँ, और बोनसाई है, और यहाँ छोटे छोटे पॉट आपको लग रहे होंगे, इसकी विड्थ नहीं है, तो विड्थ सही में फ्रेंड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्लांट बहुत छोटे हैं, इसलिए अभी मैंने छोटा पॉट लिया है। जैसे जैसे प्लांट बड़े होंगे तो ये मिट्टी के ही पॉट, लेकिन इससे थोड़े साइज में बड़े कर दूँगी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही एक अच्छा सा काम किया है, मैंने प्लांट लगाया है जो कि मेरे इंटरेस्ट का पार्ट था, तो मैंने वो किया है। और जिस दिन मैं सुबह सुबह प्लांट लगाती हूँ वो दिन मेरा बड़ा अच्छा जाता है, तो आज देखती हूँ कि आज मैं क्या अच्छा अच्छा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अपने पॉट में मतलब एक एक करके मैं लगा रही हूँ और पॉट में, तो आगे मैं इसकी और भी बहुत सारी डिटेल वीडियो, अभी आपको मेरे हर ब्लॉग में मेरे गार्डन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को क्लिप मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ये बड़ा बड़ा वाला हाईफाई गार्डन मैं नहीं बना रही हूँ, मैं खुद अपने सेंस से और अपने टेस्ट के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो कैसा बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी भी, और आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लांट लगा लिए हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ, और मैं अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और ये देखिए आपको कोकोपीट भी इसमें दिख रहा होगा, तो हमने इसमें कोकोपीट वगैरह इसलिए डाला है कि इसकी जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी रहे, टाइट ज़्यादा ना हो, नहीं तो प्लांट जो है ना उसकी जड़ ख़राब हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।